हेलो फ्रेंड्स, नो एरर इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं नरेंद्र जोशी आपके सामने फिर से एक बार। दोस्तों, आज हम एक नए वीडियो के साथ आए हैं और जो ये वीडियो है वो एसएससी सीएचएसएल 2018 के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए थे उन्हीं की सीरीज़ को लेकर आया है। यहाँ पर हम एसएससी सीएचएसएल 2018 का जो 4 मार्च को एग्ज़ाम हुआ मॉर्निंग शिफ्ट का, और उसमें इंग्लिश जो आई थी उसी से रिलेटेड हम डिटेल्ड सॉल्यूशन जानने की आज कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पहले क्वेश्चंस की। यहाँ देखें पहला और दूसरा क्वेश्चन, देखें पहला और जो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर आया है एरर से संबंधित। पहला क्वेश्चन देखें, ड्यू टू द स्नो द मार्क्स वर वाज अनरिकग्नाइजेबल। ड्यू टू द स्नो द मार्क्स वाज अनरिकग्नाइजेबल। अब देखें दोस्तों, यहाँ पर समझें कि कौन से पार्ट में एरर है। अब देखें दोस्तों, यहाँ पर स्नो से पहले द आर्टिकल का यूज़ किया गया है, मतलब ए पार्ट में गलती है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें तो देखें यहाँ पर जो थर्ड पार्ट है, फर्स्ट के बाद जो थर्ड पार्ट है वहाँ पर मेंशन किया गया है मार्क्स वाज। अब देखें, जब मार्क्स आया है तो मार्क्स प्लूरल हो जाता है, और जब प्लूरल है तो वाज नहीं आना चाहिए था, वर आना चाहिए था। ये दूसरी गलती है। तो देखें यहाँ पर ड्यू टू द स्नो, कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हम आर्टिकल का उपयोग नहीं करते अगर उनका उपयोग जनरल सेंस में किया गया है। तो स्नो से पहले द आर्टिकल नहीं आना चाहिए था। दूसरा देखें, मार्क्स के बाद वॉज नहीं आना चाहिए था, यह वर का प्रयोग होना चाहिए था। इसका मतलब गलती फर्स्ट पार्ट में भी है और गलती थर्ड पार्ट में भी है। अब दो पार्ट्स में गलती नहीं हो सकती। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है इसका कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है, ना तो फर्स्ट है, ना सेकंड है, ना थर्ड है, ना फोर्थ है, कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट्स को जो है बेनिफिट मिला है। अब देखें दूसरे क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। दूसरा है, एक्सेप्टेंस इज नॉट अबाउट अलाउइंग एवरीथिंग टू अकर और टू गो ऑन। अलाउइंग करने के लिए नहीं है सब कुछ, टू अगर होने के लिए और टू गो ऑन और जाने के। इट इज नीदर रिलेटेड टू पैसिविटी एंड वीकनेस, नॉर इज इट अबाउट कन्फर्मेशन और मीडियोक्रिटी। अब देखें दोस्तों, यहाँ पर इट इज़ नीदर, यह ना तो रिलेटेड है पैसिविटी एंड वीकनेस से, और ना ही इज इट अबाउट कन्फर्मेशन और मीडियोक्रिटी से रिलेटेड है। अब देखें दोस्तों, यहाँ पर थर्ड पार्ट देखें, यहाँ पर आया नॉर इज इट, यहाँ पर नॉर इज इट ना आकर नॉर इट इज आएगा, ठीक है। अब देखें तो इसका मतलब, इसमें अगर मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ सेकंड की, तो यहाँ पर जो एरर है वो थर्ड पार्ट में है। अब देखें थर्ड और फोर्थ की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर ब्लैंक हमें दिया हुआ है थर्ड में, और फोर्थ में भी ब्लैंक दिया हुआ है। अब देखें, शी जंप्ड द बार टेबल। अब देखें, उसने जंप किया अपॉन अप इन इनटू। अब देखें बार टेबल है, इसका मतलब उसके ऊपर जो पोजीशन होगी वो अप वाली पोजीशन होनी चाहिए, क्योंकि मोशन के साथ किसी चीज़ का ऊपर होना बताया जाता है, और वो बताया जाता है अपॉन से, तो यहाँ पर हम अपॉन करेंगे। अगला देखें क्वेश्चन, सन इज ए परफेक्ट स्फीयर ऑफ हॉट प्लाज्मा विद इंटरनल कन्वेक्टिव मोशन दैट जनरेट्स अ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखें, सन इज ए परफेक्ट स्फीयर, जो सन है वो परफेक्ट स्फीयर है ऑफ हॉट प्लाज्मा का। अब देखें यहाँ पर, देखें स्फीयर एक नाउन आया है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए परफेक्ट एडजेक्टिव आ गया। अब एडजेक्टिव को भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए या उसकी क्वालिटी बताने के लिए यहाँ पर एडवर्ब आना चाहिए। तो सन इज ए अबाउट परफेक्ट नहीं होगा, नियर परफेक्ट नहीं होगा, अब मोर परफेक्ट नहीं होगा। अगर मैं यहाँ नियरली कर दूँ तो मेरा सेंटेंस अब सही अर्थ दे पा रहा है। तो यहाँ हो जाएगा, सन इज ए नियरली परफेक्ट स्फीयर ऑफ हॉट प्लाज्मा। अब देखें पांचवें और छठे क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमें सिमिलर वर्ड फाइंड करना है। जो पांचवा वर्ड है वो है हाइब्रिड। अगर हाइब्रिड के हम सिमिलर वर्ड की बात करें तो सबसे पहले समझना होगा हाइब्रिड होता क्या है। हाइब्रिड का मतलब है किसी भी चीज़ का मिक्स होना, मिक्सिंग, कोई भी चीज़ मिक्स्ड है, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड, संकर। कहने का मतलब, अब संकर की बात करें तो चीज़ें क्या हो रही है, कंपोजिट हो रही है, तो कंपोजिट इसके लिए सिमिलर वर्ड हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं हम छठे क्वेश्चन की। छठा जो है यहाँ पर बता रहा है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब होता है डिप्लोमेटिक, कहने का मतलब केयरफुल, अटेंटिव जो होता है वो डिस्क्रीट होता है, तो यहाँ पर उसके लिए सिमिलर वर्ड केयरफुल हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की। सातवां और आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं दोस्तों, सातवां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर सातवां क्वेश्चन जो मेंशन किया गया है उसमें है
कि सातवें में हमें अपोजिट वर्ड फाइंड करना है। यहां पर मेंशन किया गया है हीड। हीड का मतलब होता है ध्यान देना, केयर करना, कॉशन करना, अटेंशन देना किसी चीज को। अगर मैं इसके अपोजिट की बात करूं तो नेग्लेक्ट वर्ड इसका अपोजिट हो जाएगा। अब देखें आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब होता है कोई भी चीज अगर स्पष्ट है, क्लियर है, दैट इज कॉल्ड आर्टिकुलेट। और अगर चीजें इसके अगर हम अपोजिट की बात करें तो अनक्लियर इसके लिए ऑप्शन बेटर ऑप्शन है। अब देखें नाइन्थ की बात कर रहे हैं, यहां पर रीअरेंज करना है पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। अब देखें यहां पर लिखा हुआ है ऑल द साउंड रीजंस एवर गिवन फॉर कंजर्विंग टू द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ अदर नेचुरल रिसोर्सेज अप्लाई। अब देखें यहां पर ये पहला एक सेंटेंस गिवन है और इसके बाद PQRS का कोई PQR का सीक्वेंस हमें देखना है, फाइंड करना है। तो देखें यहां पर समझें ऑल द साउंड रीजंस, यहां पर जो है ऑल द साउंड रीजंस, अब देखें इसको कंटिन्यू, जितने भी जो साउंड रीजंस हैं, मतलब जो अच्छे रीजंस हैं, या साउंड का मतलब होता है मजबूत, अच्छे, एवर गिवन, जो कि दिए गए फॉर कंजर्विंग, कंजर्व करने के लिए। तो देखें यहां रीजंस को ऐसा लग रहा है कि पी कंटिन्यू कर रहा है। जब ये पी कंटिन्यू कर रहा है तो इसका मतलब पी को कौन सा कंटिन्यू करेगा, इसके लिए एक लॉजिकल पेयर देखने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो समझे कि पी कंटिन्यू कर रहा है, तो पी वाले ऑप्शन तो देखें एक तो फर्स्ट है और एक है यहां पर थर्ड, इसका मतलब सेकेंड और फोर्थ कैंसिल हो गया। अब फर्स्ट में और थर्ड में देखें तो पी को आर कंटिन्यू कर रहा है फर्स्ट में, और यहां पर थर्ड में पी को क्यू कंटिन्यू कर रहा है। अगर मैं पी के बाद आर डालता हूं, पेयर बनाने की कोशिश करता हूं, तो देखें ऑल द साउंड रीजंस एवर गिवन फॉर कंजर्विंग अदर नेचुरल रिसोर्सेज, तो यहां पर बिल्कुल पेयर बनता नजर आ रहा है, अदर नेचुरल रिसोर्सेज अप्लाई टू द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। इसका मतलब पी को आर कंटिन्यू कर रहा है और ये फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है, तो इसका मतलब पी आर क्यू यहां पर करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा। अब देखें दसवां क्वेश्चन है, यहां पर एक्टिव पैसिव, हमें एक्टिव पैसिव की बात की जा रही है। इसका मतलब यहां पर एक एक्टिव सेंटेंस दिया गया है जिसको हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है। अब देखें शी विल फिनिश द थीसिस इन ए फोर्टनाइट। अब यहां पर देखें एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है कि वर्ब एक्टिव से पैसिव तभी होती है जब उसमें बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर देखें बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस पार्ट में मिल रही है। अब ध्यानपूर्वक देखने पर हमें पता लग रहा है कि विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें चाहिए और वो हमें फर्स्ट में नजर नहीं आ रही है, सेकंड में नजर नहीं आ रही है, और थर्ड में देखें द थीसिस विल बी फिनिश्ड बाय हर इन ए फोर्टनाइट। इसका मतलब थर्ड जो है इसका पैसिव होगा। अब बात कर रहे हैं हम यहां पर अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखें दोस्तों यहां पर हम बात कर रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो लिखा हुआ है डायरेक्ट इनडायरेक्ट को लेकर। कहने का मतलब एक डायरेक्ट स्पीच है, उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। आई नो हर वेल सेड मनीषा, मैं उसको अच्छे से जानता हूं सेड मनीषा, मनीषा ने कहा। अब देखें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होता है उसको हम अगर प्रेजेंट है तो पास्ट में पहुंचा देते थे पूरा। तो यहां देखें प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल चाहिए मुझे कहीं ना कहीं। देखें मनीषा सेड दैट शी न्यू हर वेल, फर्स्ट ऑप्शन देखें यहां पर सेड दैट शी न्यू हर वेल, ये ऑप्शन। दूसरा देखें मनीषा सेड इफ, इफ वाला तो कोई लॉजिक बनता ही नहीं है क्योंकि यहां पर दैट का यूज होगा जोड़ने के लिए। मनीषा सेड दैट शी नोज हर वेल, यहां पर टेंस का कोई परिवर्तन नहीं किया, ये ऑप्शन भी कैंसिल है। मनीषा सेज, यहां पर सेड को सेज कर दिया, कोई लॉजिकली कोई कनेक्टिविटी है नहीं। तो यहां देखिए फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मनीषा सेड दैट शी न्यू हर वेल। ऑफ 12th नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां करेक्टली स्पेल्ड जो वर्ड है वो फाइंड करना है। यहां पर कमिटी की स्पेलिंग पूछी गई दोस्तों, तो हमें पता होना चाहिए कि अगर मैं कमिटी की बात करता हूं तो कमिटी की जो स्पेलिंग होगी वो होगी COMMITEE। तो यहां पर जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करते हैं हम यहां पर कुछ अगले क्वेश्चंस की। अब अगले क्वेश्चंस की जो बात हो रही है वो पैसेज को लेकर हो रही है। कहने का मतलब हमें एक पैसेज गिवन है और उस पैसेज में से हमें क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। देखें पैसेज पढ़ते हैं, नाउ व्हाट एग्जैक्टली डज बिग बिजनेस वांट। Now what? अब वास्तव में what exactly? What? वास्तव में बड़े बिजनेस क्या चाहते हैं, बड़ा बिजनेस क्या चाहता है, ठीक है। दो दे साइट, यद्यपि दे साइट, वो साइट करते हैं रिपीट करते हैं किसी चीज को बार बार में। सम वर्ड एड परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स टू कंपाइल द इंडेक्स द ट्रू इंटेंशन अपियर्स टू बी समथिंग। लेकिन जो ट्रू इंटेंशन है वो अपियर होता है टू बी समथिंग, कुछ और
दे वांट लैंड, वो चाहते हैं लैंड एट थ्रो अवे प्राइसेस, कम कीमतों पर। थ्रो अवे प्राइसेस का मतलब है, थ्रो अवे का मतलब समझें दोस्तों, थ्रो अवे का मतलब होता है डिस्पोजिबल कोई चीज होती है, दैट इज कॉल्ड थ्रो अवे। इवन इट इज फर्टाइल, इवन इट इज, यह फर्टाइल एग्रीकल्चर है, मतलब उपजाऊ भूमि है, लैंड कृषि भूमि। दे वांट लाइसेंसेस, वो लाइसेंसेस चाहते हैं टू बी इशूड, इशू किया जाना इमीडिएटली तुरंत। इवन इफ द प्रपोज, भले ही जो प्रपोज एक्टिविटीज है आर लाइकली टू रिजल्ट इन एनवायरमेंटल, उनकी संभावना है रिजल्ट करने में एनवायरमेंटल। दे वांट लेबर, वो लेबर चाहते हैं, लेबर लॉज टू बी फेवरेबल टू देम, उनके फेवर में हो, सो इट बिकम्स ईजी टू हायर फायर एंड एक्सप्लॉइट वर्कर्स। एंड दे वांट द गवर्नमेंट टू रेस्पॉन्ड फेवरेबली टू देयर बेल आउट डिमांड्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, सो दे कैन ट्रांसफर देयर रिस्क ऑन द टैक्स पेयर्स, नॉट विदस्टैंडिंग द फैक्ट दैट दे इंजॉयड देयर प्रॉफिट्स ड्यूरिंग देयर हेडे। यहाँ पर एक्चुअल में जो बात की गई है वो बड़े बिजनेस की गई है, जो बड़े बिजनेस है वो एक्चुअल में क्या चाहते हैं, क्या चाहता है कोई बड़ा बिजनेस, तो यहाँ पर बताया गया है कि वो एग्रीकल्चर लैंड है वो चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि सब कुछ उनके फेवर में रहे, और चाहे वो एनवायरमेंट को नुकसान करे, इस तरीके की चीज़ें बताई गई हैं। अब देखें, पहला देखें, दे साइट सम, वो साइट करते हैं, वो रिपीट करते हैं बार बार में, वर्डेड परफॉर्मेंस, क्लेवरली, क्लेवर, क्लेवरेस्ट और क्लेवरेस्ट। अब देखें दे साइट सम, अब वो वर्डेड, वर्डेड जो होंगे वो क्लेवरली होंगे, क्लेवरली वर्डेड, ठीक है। परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस नाउन है, उसकी विशेषता बता रहा है ये एडजेक्टिव, और उसकी विशेषता बताने के लिए हम एडवर्ब का इस्तेमाल कर लें, क्लेवरली। 14 देखें, समथिंग दे वांट लैंड एट समथिंग, अब यहां पर बात आई है समथिंग की, तो यहां पर इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, तो देखें समथिंग, अब देखो यहां देखें, appears to be something, the true intention appears, जो true intention है वो appear होता है, प्रकट होता है, प्रतीत होता है, to be something, कुछ और ही, तो something के बाद यहाँ पर जो option आना चाहिए वो else आना चाहिए, तो something else हो जाएगा। अब देखें prices even, prices वाला जो option है यहाँ देखें, prices even it is fertile, fertile land, prices even, भले ही वो fertile land हो, तो यहाँ पर अगर मैं even if कर दूँ तो सेंस निकलेगा भले ही fertile agricultural land है। अब देखें अगला देखें, एनवायरमेंटल, एनवायरमेंटल क्या है, यहां पर एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताएगा, और नाउन के लिए यहां पर यूज करेंगे डिग्रेड, यूज नहीं करेंगे डिग्रेडिंग, डिग्रेडेड नहीं करेंगे डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, दे वांट लेबर लॉज, ठीक है। अब अगला देखते हैं, इजी टू हायर फायर एंड एक्सप्लॉइट, इजी टू हायर, हायर करने के लिए इजी हो, फायर एक्सप्लॉइट। अब यहां पर देखें, एंड इफ दस और सो, इन चारों में से कोई ऑप्शन ढूंढना चाहे, तो अगर easy to hire, hire करने के लिए easy हो, and fire और for करने के लिए और exploit करने के लिए, तो end option सही हो जाएगा। अब देखें हम यहाँ पर बात कर रहे हैं question number 18 की और 19 की, अब यहाँ पर 18 और 19 जो question है या idiom और phrase से related है, 18 देखें आप यहाँ पर 18 जो question है देखें समझें इसको, after one's own heart, after one's own heart, इसका मतलब अगर दोस्तों हम बताएं तो आफ्टर वंस ओन हार्ट का मतलब होता है शेयरिंग और हैविंग वंस टेस्ट और व्यूज, किसी का शेयरिंग करना या फिर उसका रखना खुद के टेस्ट और व्यूज को, ठीक है। बात कर रहे हैं अगला जो क्वेश्चन है 19, देखिए दोस्तों यहां पर ये 19 है, ध्यान रखना 18 नहीं है। पुल द वूल ओवर समवंस आईज, किसी की आंखों में धूल झोंकना, इसका मतलब है किसी को बेवकूफ बनाना, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा डिसीव समवन बाय टेलिंग लाइज, झूठ बोलकर किसी को डिसीव करना, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 20 और 21 की हम बात कर रहे हैं, यह वन वर्ड सब्स्टिट्यूट की बात की गई है, कहने का मतलब एक पूरा यहां पर सेंटेंस है, फ्रेज गिवन है, उसके लिए वन वर्ड बताना है। अब देखें, अ वार्निंग ऑफ इम्पेंडिंग डेंजर, एक वार्निंग बता रहे हैं, चेतावनी किसी भी होने वाले डेंजर के लिए, इम्पेंडिंग का मतलब है जो होने वाला है, घटित होने वाला है, और उसकी अगर बात करें तो दोस्तों वो कहलाता है मोनिशन, मोनिशन का मतलब होता है चेतावनी। अब देखें, कंसर्न विद ब्यूटी और द एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, कंसर्न है ब्यूटी, ब्यूटी से या एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी के एप्रिसिएशन से, तो वो कहलाता है दोस्तों सौंदर्य पर कोई चीज होती है, दैट इज कॉल्ड एस्थेटिक, तो यहां पर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं हम यहां पर अगले क्वेश्चंस की, देखें दोस्तों हम बात कर रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 और जो 23 है वो जो गिवन है वो इंप्रूवमेंट से रिलेटेड गिवन है, कहने का मतलब इसको इंप्रूवमेंट की आवश्यकता सेंटेंस को है या नहीं, अगर कोई आवश्यकता है इंप्रूवमेंट की तो करेक्ट ऑप्शन हम चूज करें, नहीं तो
हम यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं. 22 देखें, वी सेट ऑन द फ्लोर टू ईट डिनर एंड ही अप्रिशिएट द फ्रेश फूड माय मदर सर्व्ड. अब देखें सीक्वेंस से हमें पता लग रहा है, वी सेट हम बैठे ऑन द फ्लोर पर टू ईट डिनर, डिनर लेने के लिए, एंड ही द फ्रेश फूड माई मदर सर्व, और जो मेरी माँ ने सर्व किया. इसका मतलब यहाँ पर टेंस का जो सीक्वेंस चल रहा है वो पास्ट चल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर अप्रिशिएट ना होकर ये पास्ट का ही टेंस होना चाहिए, और पास्ट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पर अप्रिशिएटेड हो जाएगा. अब अर्थ क्या निकलेगा, वी सेट ऑन द फ्लोर, हम फर्श पर बैठे टू ईट डिनर, डिनर लेने के लिए, एंड ही अप्रिशिएटेड, और उसने अप्रिशिएट किया द फ्रेश फूड, ताजा भोजन, माई मदर सर्व, मेरी माँ ने जो सर्व किया. अब देखें 23, वी सेट देयर इंजॉय द व्यू, वी सेट देयर हम वहां बैठे इंजॉय द व्यू, व्यू को इंजॉय करते हुए या व्यू को इंजॉय करने के लिए, तो इंजॉयिंग द व्यू, व्यू को इंजॉय करते हुए, तो यहां पर देखें इंजॉयिंग आएगा ना कि इंजॉय, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा. देखें हम वहां बैठे व्यू को इंजॉय करते हुए, व्यू को इंजॉय करते हुए वहां बैठे, तो इसका मतलब यहां पर ये जो पार्टिसिपल है प्रेजेंट पार्टिसिपल, यहां पर एक एडवर्ब की तरह काम करता है. दोस्तों ध्यान रखना पार्टिसिपल्स के जो उपयोग होते हैं वो वर्ब के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में, और कभी कभी एडवर्ब के रूप में भी होते हैं. तो यहां पर ये एडजेक्टिव एडजेक्टिव नहीं बन रहा है, वर्ब नहीं बन रहा है, यहां पर ये एडवर्ब बन रहा है जो बैठे होने की विशेषता बता रहा है. वी सेट देयर इंजॉय, वी सेट देयर इंजॉयिंग द व्यू. अब इसको और तरीके से समझ सकते हैं कि ये एडवर्ब कैसे है. यहां पर मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल देता हूं, और मैंने लिखा जैसे ही वेंट आउट स्माइलिंग, ही वेंट आउट स्माइलिंग. अब इस सेंटेंस में देखें मैंने लिखा है ही वेंट आउट स्माइलिंग, स्माइलिंग वह चला गया, बाहर चला गया, स्माइलिंग हंसते हुए. अब देखें वेंट वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने का काम हम जानते हैं एडवर्ब करता है, तो यहां पर स्माइलिंग जो है तो पार्टिसिपल, लेकिन यहां पर ना तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ना यहां पर ये वर्ब का काम कर रहा है, यहां पर ये एडवर्ब की तरह काम कर रहा है. ठीक है, तो अब बात करते हैं अगले 24 क्वेश्चन की. अब यहां पर कोहेरेंट पैराग्राफ बनाना है हमें, समझे. यहां पर लाइफ इज नेवर मेंट टू कंट्री लाइक इंडिया, नेवर मेंट टू, टू चाहिए, टू है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, जो इन्फिनिटिव बनाए दोस्तों यहां पर, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वो मिल रही है हमें बी में. लाइफ इज नेवर मेंट टू बी इजी, तो देखें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. अब इसको कंटिन्यू कौन कर रहा है, स्पेशली इफ यू, स्पेशली विशेषकर, इफ यू तुम रहते हो, यदि इफ यू लिव, तो मतलब बी को सी कंटिन्यू कर रहा है, और बी को सी कंटिन्यू करने वाला जो ऑप्शन है वो है यहां पर देखें थर्ड, तो बी सी ए इसका सही सीक्वेंस हो जाए, बी सी ए इसका सही सीक्वेंस हो जाएगा. अब बात कर रहे हैं हम यहां पर 25 क्वेश्चन की. 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखें दोस्तों, यहां पर हमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड करना है, स्ट्राइडेंसी 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 और स्ट्राइडेंसी. देखें स्ट्राइडेंसी की अगर बात करें तो स्ट्राइडेंसी के का मतलब होता है हाई पिच कोई चीज, मतलब चीज में साउंड बहुत ज्यादा है, हाई पिच है, तेज है, तो उसके लिए जो स्पेलिंग होगी होती है एस टी आर आई डी ई एन सी वाई. तो यहां पर जो फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है. तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आज यहां पर एसएससी सीएचएसएल 2018 का जो 4th मार्च को एग्जाम हुआ उसका डिटेल सॉल्यूशन देखा. दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और उन दोस्तों को जरूर इस वीडियो के बारे में बताएं जो कि एसएससी सीएचएसएल 2019 के लिए तैयारी कर रहे हैं. ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा. नो एरर इंग्लिश क्लासेस से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद. आपका दिन मंगलमय हो.